कहना चाहेंगे, दिल धड़कता है तेरे नाम से, तुम्हारे नाम से, किस तरह की पिक्चर है और आज उसका ट्रेलर भी लॉन्च है और प्रीमियर भी है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, ये कैसी पारिवारिक फिल्म मैंने बनाने की कोशिश किया है कि सारे लोग परिवार के साथ बैठ के देख सकें पिक्चर को। पिक्चर बहुत ही अच्छी है और एक मैसेज वाली पिक्चर है। दूसरी चीज़ ये है कि इस पिक्चर में हमने कंटेंट का यूज़ किया है, कलाकार को हमने बहुत बेस नहीं किया, हमने कंटेंट को बेस किया है और हमने कोशिश की एक अच्छी और स्वस्थ मूवी बनाएं ताकि समाज को हम कुछ दे सकें, और ये हमारा प्रयास है। इस तरह का प्रयास हम आगे भी करते रहेंगे, लेकिन ये हमारा प्रथम प्रयास है, पहला प्रयास है, और मुझे लगता है कि शायद इसमें हम सफल हों और आप लोगों का सहयोग रहेगा तो ज़रूर सफल होंगे। और ये पिक्चर पूरे इसमें तीन गाने हैं और इसमें ये दिखाया गया है कि आज का हमारा हमारे समाज में बच्चे जो हैं अपने परिवार वाले पूरा उसके ऊपर पूरा फोकस करते हैं, पूरा उसके ऊपर खर्चा करते हैं, लेकिन होता क्या है कि लास्ट में वो भाग जाते हैं बच्चे और वो बच्चे अपने परिवार को छोड़ देते हैं। लेकिन हमने इसमें दिखाने की कोशिश किया है कि वो दोबारा उसको पता चलता है कि जो जिसके साथ वो कर रहा था, जिसके साथ उसका लव अफेयर था, लव इंटेंगल्ड था, तो वो उसको छोड़ देती है, उसके साथ वो चीट करती है और लास्ट में वो जो हैप्पी एंडिंग होती है ये पिक्चर की, दिल धड़कता है तुम्हारे नाम से, और यही फिल्म की कहानी है। क्या मैसेज देंगे समाज को इस फिल्म के जरिए से और क्या हम लगता है? हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमें हमारे बच्चों को अपने परिवार के जो हमारे माता पिता हैं अगर उनके साथ वो अच्छा कर रहे हैं तो हमें माता पिता को भी अच्छा वो देना चाहिए, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि ओल्ड जब उनका ओल्ड समय होता है, जब उनका बुढ़ापा आता है, तो वो उम्मीद करते हैं कि हमसे हमारे बच्चे हमारे लिए करें जो हमने उनके लिए कभी करके ये सोचा था कि हमारे समाज में हमको हमारा इकोनॉमिक स्तर बढ़ जाएगा, हमारा हम लोग प्रॉब्लम नहीं होगी, तो हमने ये कोशिश किया इस फिल्म में। इस फिल्म की बात करें तो स्टार कास्ट कौन कौन हैं और कितने लोग हैं, क्या बताना चाहेंगे और कब तक ये फिल्म आ जाएगी? स्टार कास्ट नहीं है हमारी, और जी क्या नाम है ये बब्बन यादव एक हैं, इलाहाबाद तो आज आ नहीं पाए हैं, और ये मेन हीरोइन है पंछी पटेल, और एक कोमल है जिसने कि वो सेकंड लीड किया है, और उसमें राम सिंह है, उसमें ये तो इलाहाबाद बॉम्बे से ही हैं, तो उन्होंने उसमें विलन का रोल किया है और मैंने उसमें एक फादर का रोल किया है। ये फिल्म कब तक आएगी और कहाँ कहाँ इसकी शूटिंग हुई और कहाँ कहाँ रिलीज कर रहे हैं आप? देखिए, ये इस फिल्म की कंप्लीट शूटिंग इलाहाबाद में हुई, हमने एक ही शेड्यूल में पूरी पिक्चर को कंप्लीट किया। अगर सर टाइटल की बात करें, दिल धड़कता है तुम्हारे नाम से, तो क्या लगा आपको इसी टाइटल देना चाहिए या कोई और टाइटल, क्या टाइटल के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? टाइटल के बारे में ये कहना चाहेंगे कि हम ये इससे एक मैसेज जो हम देना चाहते थे वो उसको कन्वे कर रहा था, इसलिए हमने इस टाइटल को रखा। और कब तक ये पिक्चर आएगी, रिलीज कब तक? बहुत जल्द। क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से, क्या कहना चाहेंगे? हम दर्शकों से कहना चाहेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में इसको देखें लोग और इससे लाभ उठाएं इस पिक्चर का, और हमें भी फायदा हो ताकि हम आगे भी इस तरह का अच्छा प्रयास कर सकें। मैम आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि ये पारिवारिक फिल्म है और मुझे लगता है कि हर किसी को देखना चाहिए, बिकॉज़ इस फिल्म में जो स्टोरी है वो कहीं अलग से नहीं है, हम सबकी फैमिली में ऐसा होता है, तो उससे आप सबको रूबरू कराया गया है। तो मैं आप सबसे चाहूँगी कि आप फिल्म देखें और हमें ब्लेसिंग्स दें और हम आगे और भी काम करें आपके सामने। किरदार कैसा रहा है आपका इस मूवी में और कितना एक्सपीरियंस रहा है? जी, जो किरदार मैंने निभाया है अभी उसको मैंने मतलब एक्चुअल तो मैं उस रूप में अभी नहीं आई हूँ, मैं सिंगल हूँ, पर जो मैंने किरदार किया है वो मैंने लोगों को देखा है उनकी लाइफ में कैसे होता है, तो मैंने कोशिश की है कि मैं वैसा कर पाऊँ और अपने करेक्टर के साथ ईमानदारी से मतलब अच्छा कर सकूँ। तो अगर मैं मूवी की बात करें तो आपका फर्स्ट मूवी है कि सेकेंड या? जी, अगर मैं बात करूँ तो मैंने 2-3 फिल्में करी हैं। सबसे पहली मेरी फिल्म थी डॉटर्स ड्रीम, उसके बाद मैंने एक चक्कर घिन्नी फिल्म करी थी, और उसके बाद के 100 फिल्म करी थी, और ये मेरी फोर्थ फिल्म है जिसको मैंने किया। डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ में कैसा कोलैबोरेशन रहा, किस तरीके से आपने काम किया, कितना सहयोग मिला? जी, अगर मैं बात करूँ हमारे अनिल सर जी की और अस्थाना सर जी की, तो बहुत अच्छा कोऑपरेशन मिला है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि जो भी आर्टिस्ट सर के साथ काम करेगा बहुत ही कोजी होकर काम कर सकता है, बिकॉज़ यू नो
हम जब काम करते हैं तो अगर डायरेक्टर चाह ले तो एक्टर से काम बड़ी ईजली निकलवा लेता है, तो जब हमने काम किया तो हमें ऐसा नहीं लगा कि मतलब हम क्या कर रहे हैं, मतलब सर को जो चाहिए था वो कभी कभी होता था कि नहीं अभी हम आप करो मतलब रिहर्सल करो हम ले लेते हैं, मतलब हम एक बार रिहर्सल करो पता लगा कि सर ने ले लिया है जो भी उन्हें चाहिए, तो मतलब हम बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है कि आगे भी हम सर के साथ काम करें। और कहीं ना कहीं मैम शूट की बात करें तो शूट में कुछ ऐसा यादें होती हैं जो अभी तक याद आती हो? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, एक शॉट था जिसमें मैं भिंडी काट रही थी और वो हो नहीं पा रहा था, क्योंकि क्या होता है कि जो हमारे प्रॉप्स होते हैं वो समटाइम होता है ना अगर एक दो बार हुआ तो इधर उधर हो जाते हैं, तो उसमें हम लोगों को बहुत ही मज़ा आया क्योंकि लग रहा था यार ये इधर भिंडी रखी थी कि उधर रखी थी, तो हमने बहुत इन्जॉय किया उस सीन को, अल्टीमेटली हो गया था पर फिर भी बहुत रीटेक हुए थे 3-4-5, तो बहुत मज़ा आया उसे। सर क्या कहना चाहेंगे, आपने ट्रेलर देखा पिक्चर की, क्या कहना चाहेंगे किस तरीके की लगी और आप चीफ गेस्ट भी हैं? जी जी मेरी तो सबसे पहले अनिल जी के लिए, आस्थाना जी के लिए और पूरी टीम के लिए शुभकामनाएँ जो मुझे इतनी इज्जत दे के मुझे बुलाया, और मुझे अच्छा लगा ट्रेलर देखा उसको, वो भी अच्छा लगा, गाने भी अच्छे लगे, और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि मेरा असिस्टेंट आज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना हुआ, उसकी पिक्चर में देख रहा हूँ, तो अपनी पिक्चरों से ज़्यादा खुशी मुझे इसमें हो रही जो मैं देख रहा हूँ, और मेरे लिए शुभकामनाएँ, यूँ ही फिल्म बनाते रहें। अनिल जी भी मेरे पुराने दोस्त हैं और फिल्म तो अच्छी लगी लगी जो भी ट्रेलर देखा, फिल्म की बात तो मैं बाद में करूँगा, गाने भी अच्छे लगे, और सबसे बड़ी बात की इतने बिछड़े हुए लोग मुझे यहाँ मिल गए तो फिल्म से ज़्यादा खुशी मुझे उसकी भी हो रही है, और सबके लिए मेरी शुभकामनाएँ पूरी टीम के लिए, और ये पिक्चर अच्छी चले, और फिल्म जो होती है बड़े एक्टर से नहीं बनती है, अच्छे एक्टर से बनती है, कंटेंट से बनती है जो हम लोग मैसेज देते हैं। आज तक हमने 12 फिल्में बनाई हैं और ऐसी बनाई हैं कि हम बैठ के फैमिली के साथ देख सकते हैं, और वही मुझे इसमें ट्रेलर में देखने को मिला कि ये ऐसी फिल्म है जिसको हम अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं, और ऐसी फिल्में ही चलती हैं जो हमारे जो वो क्लास वाली फिल्में जो होती हैं वो 10% होते हैं जिसमें 3-4-5 शादियां हो जाती हैं, 2-3 बार भाग जाती हैं, वो सब अलग होता है, लेकिन ऐसी फिल्में लोग बार बार देखते हैं। अभी हमें किसी ने बोला यहीं मिले कि हमारे मेहंदी के काफ़ी बदमाश लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो किसी ने बोला ये संडे को भी मेरी फिल्म आ रही, तो खुशी ये होती कि हमने एक फैमिली फिल्म बनाई, लोग देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, और मेरी 12 फिल्मों को भूल के कहीं मैं जाता हूँ तो बोलते हैं मेहंदी वाले हमीद भाई, तो ये ट्रैक अलग हो गया, लेकिन मेरी शुभकामनाएं संजय जी के साथ, अनिल जी के साथ, पूरी टीम के साथ है, और कभी भी कहीं भी मेरे लायक कुछ काम है लोग याद करेंगे मैं हाजिर हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। आप इस फिल्म के डायरेक्टर भी हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहेंगे जो स्क्रिप्ट थी, जो उसकी डिमांड थी, उसको उस पर खरे उतरने की पूरी कोशिश की है, और जितने भी मेरे कलाकार थे उन्होंने अपना पूरा सहयोग दिया है, क्योंकि डायरेक्टर कुछ नहीं कर सकता जब अच्छा आर्टिस्ट नहीं मिलता, और बाकी मैंने पूरी कोशिश की, बाकी जो है उसमें एक सीख भी है, फैमिली मैसेज भी दिया है हमने कि शादी के बाद दूसरी लड़की के चक्कर में मत पड़िए नहीं तो मेरे जैसा हाल होगा, ये एक मैसेज दिया है, और हो सकता है कि पब्लिक को अच्छा लगे, और उनसे बस रिस्पांस चाहेंगे बस, और कुछ नहीं। समाज को बहुत बड़ा मैसेज इस फिल्म के जरिए आ रहा है, भले फिल्म का टाइटल इसमें रोमांस भी है और गाने भी हैं, तो गाने की बात करा जाए तो किन्होंने गाया है, 3 गाने हैं इसमें, और गाने कौन है, सिंगर का तो नाम याद नहीं है अभी, 3 गाने हैं। हाँ। और ये फिल्म कब तक आएगी और कोशिश करते हैं, नहीं करीब 20-25 थिएटर में करेंगे इसको रिलीज करेंगे, और ये जो है मेरे ख्याल से दिसंबर 2nd वीक तक कोशिश करेंगे हम लोग। OTT का जमाना, OTT फिल्म प्लेटफॉर्म पे भी डालेंगे? हाँ, Amazon पे बात चल रही है, Amazon प्राइम पे। कितनी उम्मीदें हैं इस पिक्चर से? उम्मीद तो सब लोग 100% करते हैं, हम भी कर रहे हैं, अब आगे जनता के पब्लिक के ऊपर है। तो पब्लिक को क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? पब्लिक को कहना चाहेंगे फिल्म देखिए और उससे सीख भी लीजिए। अगर सर सॉन्ग की बात करें तो किस तरह से सॉन्ग होगा, रोमांटिक सॉन्ग होगा या सैड सॉन्ग होगा? सॉन्ग नहीं, सॉन्ग सैड सॉन्ग भी है, 3 गाने हैं, एक तो सैड सॉन्ग है, 3 सॉन्ग है वो, एक एक जो है हॉट सॉन्ग है, दूसरे पब्लिक के लिए देख लें,
और एक रोमांटिक सॉन्ग सॉफ्ट रोमांटिक है। इस पिक्चर में आपने किरदार किया है, किस तरह का किरदार है, आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की फिल्म है? पहले तो आप सबको नमस्कार और बहुत बहुत शुभकामनाएं अनिल भाई को, संजय अस्थाना जी को एवं इंटायर टीम को, स्पेशली राइटर को। ये एक जो मैंने फील किया, ये एक सामाजिक फिल्म है और आप परिवार के साथ उसमें बैठ के देख सकते हैं। और जैसे संजय अस्थाना जी ने, जो डायरेक्टर हैं हमारे, उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा मैसेज है कि अगर आप शादी के बाद गड़बड़ करोगे तो इतने मारे जाओगे, इस बुरी तरह से फंसोगे कि वो आपको पिक्चर देखने के बाद पता चलेगा कि आप कितनी बुरी तरह से फंसोगे। इस फिल्म में आप विलन का रोल भी कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे अपने किरदार के बारे में? हाँ, किरदार मेरा बहुत अच्छा था इसमें, और ये किरदार ही दिखाता है आपको कि अगर आप शादी के बाद इधर उधर किए तो फिर ये किरदार अपना काम चालू कर देगा। क्या उम्मीदें हैं इस फिल्म से, क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से? दर्शकों से मेरा यही निवेदन है, एक सामाजिक फिल्म है और इस टाइप की फिल्में जल्दी बनती नहीं है। जैसे हमें दिल्ली साहब बोले कि उन्होंने इस टाइप की फिल्म बनाई मेहंदी जैसे, और इस टाइप की फिल्म आजकल लोग जल्दी नहीं बनाते हैं। तो अनिल श्रीवास्तव जी ने ये हिम्मत किया है, तो दर्शकों से निवेदन है कि इस फिल्म को ज़रूर देखें ताकि एक साफ सुथरी और सामाजिक फिल्म बन सके, आगे भी हिम्मत कर सके इस टाइप की फिल्म बनाने। बस यही दर्शकों से हमारा निवेदन है। थैंक यू सर। सर आप क्या कहना चाहेंगे, आपने फिल्म के ट्रेलर देखी, कैसा लगा आपको फिल्म, वो क्या कहना चाहेंगे? फिल्म का ट्रेलर देख के तो डेफिनेटली ऐसा लगा कि कंटेंट बेस्ड फिल्म है और आजकल ये इस तरह की फिल्में बहुत कम आती हैं, और ऑडियंस यही चाहती है कि हमें कुछ अच्छा कंटेंट देखने को मिले। और अनिल सर और अस्थाना सर ने जो फिल्म बनाई है उससे अभी ट्रेलर देख के तो 100% यही लग रहा है कुछ अलग है फिल्म में और देखना चाहिए ज़रूर। तो ऑल द बेस्ट सर आप दोनों को इस फिल्म के लिए। थैंक्स अ लॉट। सर आप क्या कहना चाहेंगे, आपने देखा फिल्म को, कैसा लगा, ट्रेलर देखा अभी, पिक्चर सॉन्ग भी सुने आपने? मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ अनिल जी का, संजय जी का और पूरा पूरा इंटायर टीम का कि दिल लगाकर इस फिल्म को उन लोगों ने बनाई और अच्छी फिल्म बनाई है। डेफिनेटली हमने अपने लाइफ में देखा है कि सिर्फ कंटेंट को ही लोग एक्सेप्ट किए हैं, अगर अच्छा कंटेंट रहा है तो उसके सामने कोई बड़ा हीरो कभी भी मायने नहीं रहा है। बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे हैं, आशिकी से लेकर बहुत से एग्जांपल दिया जा सकता है, नथिंग कैन बी कॉल्ड अबाउट ही यहाँ पर। लेकिन हाँ, यह है कि फिल्म के जिस तरह से इन लोगों ने सॉन्ग का पिक्चराइज़ किया है, गाने का पिक्चराइज़ किया है, सेट अच्छा सॉन्ग लगा, और हम लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे कि ये पिक्चर सुपर डुपर हिट होए। थैंक यू सर। बहुत अच्छा था, एक गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, मेलोडी सॉन्ग जो था वो बहुत अच्छा लगा मुझे गाना, वो भी इसलिए दोबारा मैंने सुना भी उस गाने को, बोल के दोबारा सुना। तो उम्मीद तो बहुत अच्छी है मुझे कि इस फिल्म का मतलब विजुअल अच्छा नज़र आ रहा था। मैं चाहता हूँ कि ये फिल्म चले, ऐसी फिल्में चलेंगे तो नए टैलेंटेड डायरेक्टर सब आएंगे ऊपर तो अच्छी फिल्में बनेगी। और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ संजय को, प्लस इनके प्रोड्यूसर अनिल जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, जो आप लोग इलाहाबाद में रह के इतनी अच्छी फिल्म बना ली, इतने अच्छे थॉट की फिल्में बनाए, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और ये कहानी जो मैं जैसे सुना, मैं अनिल जी से सुना, संजय से भी सुना, ऐसी कहानी अक्सर यूपी बिहार में हुआ करते हैं जो लोग नहीं दिखा पाते, जो दिखा दे वही क्रेडिट ले जाता। तो मैं क्रेडिट गोज़ टू संजय या अनिल जी कि ऐसे सब्जेक्ट पे उन्होंने काम किया है। अब मुझे बहुत अच्छा लगा ये, बहुत सब्जेक्ट तो बहुत अच्छा लगा, बाकी ऑडियंस देखिए पसंद करे। सर डायरेक्शन भी अच्छा है, आपके दोस्त हैं? हाँ, इसीलिए तो सबसे पहले तो मैं उनको शुक्रिया अदा किया मैंने कि मेरा दोस्त है, वो मेरा भाई है, दोस्त ही नहीं भाई भी है, साथ में काम भी किए हैं उससे। सर आपने अभी बोला कि यूपी और बिहार में ऐसी घटनाएं होती हैं, क्या आपको लगता है कि खाली यूपी और बिहार में? नहीं भाई, यहाँ बॉम्बे में ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ नज़र नहीं आता है। यहाँ क्या है, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को नहीं जानते हैं, लेकिन हम लोग बिहार के रहने वाले हैं, हम लोग यूपी के रहने वाले हैं, तो पड़ोसी अपने घर से ज़्यादा पड़ोसी का ख्याल रखते हैं।
इसलिए लोग उन लोगों को पड़ोसियों के बारे में ज़्यादा जानते हैं, बॉम्बे में नहीं जानते। यहाँ बॉम्बे में बहुत बड़े बड़े कांड होते हैं लेकिन सब बंद कमरे में, हाईलाइट नहीं हो पाता, हाईलाइट नहीं हो पाता। आज भी कुछ पूछो कि क्या कुछ हुआ, क्या क्या हमें पता नहीं, और हमने बोला ही नहीं, हम पता ही नहीं। यूपी बिहार हुआ, यूपी हुआ, बिहार हुआ, एमपी हुआ, यहाँ के लोगों में क्या है कि अपना अगर अपना ख्याल रखते हैं तो पड़ोसी का भी उतना ही ख्याल रखते हैं। नेट में बात पस्ती नहीं है। हाँ, तो इसीलिए उजागर हो जाता है, हर बात को हम लोग जान जाते हैं, ध्यान रखते हैं कहीं ना कहीं। हाँ, तो नहीं जरूरी है, जरूरी है। अच्छा भी कर रहे हैं तो उस पर भी ध्यान रखते हैं, गड़बड़ कर रहे हैं तो उस पर भी ध्यान रखते हैं, लेकिन ध्यान रखना चाहिए। सही है। और संजय ने ऐसी फिल्में बनाया है तो मैं उसका दाद देता हूँ कि इतना अच्छा सब्जेक्ट उसने उठाया और फैमिलियर सब्जेक्ट उठाया। और क्या है कि आज तक तो मैं देखते आया हूँ कि फैमिलियर सब्जेक्ट सिर्फ राष्ट्रीय प्रोडक्शन वाला ही बनाता है, दूसरा कोई बनाता नहीं, सब मार धाड़ वाला ये वाला। लेकिन ऐसे फैमिलियर सब्जेक्ट बनाने के लिए कलेजा चाहिए, और जो कलेजा संजय अस्थाना जी में है, अनिल जी में है, इंशाल्लाह मैं ऊपर वाला से यही दुआ करूँगी ये फिल्म चले, ताकि फिर ऐसा ट्रेंड बने, ऐसी फिल्में लोग बनाने लगे, तो हम लोग की जीत होगी, हमारे संजय अस्थाना जी की जीत होगी, अनिल जी की जीत होगी कि ऐसे सब्जेक्ट मार्केट में लाए। ये मैं बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूँ सबको, बाकी इस फिल्म के इंटायर एक्टर को मैं बहुत 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 शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने अच्छा काम किया है। ट्रेलर से ही पता चलता है कि काम कैसा हुआ है, वो तो पता चल जाता है कि फिल्म कैसे बनी है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि फिल्म जब ट्रेलर इतना अच्छा है तो फिल्म भी अच्छी बनी होगी, और अभी फिल्म भी देखेंगे, फिल्म देखने के बाद दोबारा बधाई देंगे संजय अस्थाना को, अनिल जी को दोबारा बधाई देंगे, है ना। सर आप क्या कहना चाहेंगे, आपने देखा फिल्म के ट्रेलर देखे, गाने देखे, कैसा लगा? फिल्म बहुत अच्छी लगी मुझे और गाने भी डेफिनेटली बहुत अच्छे थे। सबसे पहले मैं अनिल जी और संजय जी को कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगा, बिकॉज आज के टाइम पे कोई नया प्रोड्यूसर मार्केट में आना बहुत टफ है, बट मूवी बना के मार्केट में रिलीज़ करना बहुत बहुत ये है। तो इसलिए मैं आपको और आपकी पूरी टीम को कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगा कि आई प्रे कि ये मूवी बहुत अच्छा रिकॉर्ड करे, बहुत पब्लिक तक पहुँचे, पब्लिक देखे। और डेफिनेटली जैसे कि सबने कहा कि मूवी का कंटेंट बहुत प्यारा है और नेचुरली है, मतलब आज के टाइम पे हीरोइज्म वाली मूवी नहीं चल रही है, जो कंटेंट है पब्लिक को कंटेंट पसंद है और वैसे ही इस मूवी का कॉन्सेप्ट है। तो बस यही कॉन्ग्रेचुलेशन है कि ये सब मूवी देखें और पब्लिक तक पहुँचें। थैंक यू सो मच। सर आप क्या कहना चाहेंगे, आपने? हाँ, हमने भी देखा, ट्रेलर देखा और गाने देखे, बहुत अच्छा लगा, फैमिली फिल्म है। और मैं मुबारकबाद देता हूँ अनिल जी को और संजय जी को, ऐसे ही दिल धड़काते रहें और भगवान करे कि उनकी फिल्म चले, तब आगे भी दिल धड़काएं। और मैं ऑडियंस से कहूँगा कि आके देखें साफ सुथरी फिल्म, और हमारे प्रोड्यूसर साहब की हिम्मत बढ़ाएं कि अगली फिल्म वो फिल्म बनाएं और दिल धड़काएं। एडिटर नहीं है सर, ये सर। हाँ बोलिए सर। नहीं नहीं वैसे कुछ नहीं, फिल्म तो अच्छी है, पारिवारिक है, और जो सबने बोला वही है, और कुछ बोलने जैसा है? शुभकामनाएं देने चाहेंगे? अरे शुभकामनाएं तो दिल से देंगे, क्योंकि ऐसी फिल्में बेसिकली नहीं आती मार्केट में, क्या मार धाड़ और वो सब आता है। ये एक सिंपल पारिवारिक फिल्म है, कहानी चलती रहती है, लाइक अ नॉवेल, एक नॉवेल की तरह चलती है, तो वो देखने की आदत लोगों की बहुत कम है, और वो चाहते देखने के लिए, तो वैसा वो देखे और चले फिल्म। कहीं ना कहीं आज कैसा एक्टर को फेस नहीं देखा जा रहा, कंटेंट को देखा जा रहा, तो क्या कहना चाहेंगे कंटेंट किस तरह का? कंटेंट बहुत अच्छा है, कंटेंट मतलब फैमिली ही है, मतलब बचपन से, मतलब वो हीरो के बचपन से लेके जवानी की गलती तक सब दिखाया, और आराम से चलती है फिल्म, कोई टेंशन नहीं है। आपको लगता है कि ऐसा घटेगा तो वो आपको जो एक्सपेक्टेड है वो दिखता है, अनएक्सपेक्टेड ऐसा कुछ नहीं। तो एक्सपेक्टेड देखने का वो जो नॉवेल का तरीका है वही तरीका है, एक कादंबरी जैसे चलती है, कथा चलती है उस तरह से है, और स्टेट सिंपल है। तो क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से, क्या कहना चाहेंगे? देखिए फिल्म देखना ज़रूरी है बहुत, और OTT पे तो आ रही है तो OTT पे तो ज़रूर देखें, बड़ा थिएटर नहीं जा पाए तो OTT में देखें, पर देखें ज़रूर। थैंक यू सर। विवेक जी क्या कहना चाहेंगे? बस मेहनत करी है सर फिल्म को यहाँ तक लाने के लिए, आगे इसको आप लोगों के बीच में लाना चाहते हैं कि बस जल्दी से बने, मतलब बन तो गई है, रिलीज हो, कोशिश है कि अमेजोन प्राइम वीडियो पे भी है, टेलीकास्ट हो।
बस मेरी शुभकामनाएं पूरी टीम के साथ। ऐसी फिल्में देखेंगे तो और भी बनाएंगे बाकी ना? जो वैसे तो सोच वाले हैं उनके लिए तो फिल्म नहीं अच्छी है, बट जो पारिवारिक सोच वाले हैं उनके लिए फिल्म अच्छी है। गाने भी अच्छे हैं, खास करके टाइटल सॉन्ग दिल धड़कता है तुम्हारे गाने से देखे अपने बहुत लाजवाब है गाना नहीं उसका। तीनों गाने अच्छे हैं। तीसरे गाने में ज़्यादा विजुअल नहीं था, लेकिन अच्छी है। संजय जी की मेहनत अच्छी है, डीओपी की फोटोग्राफी बहुत अच्छी है, इनकी मेहनत बहुत अच्छी है, एडिटर महोदय जी की, और अनिल जी की तो खेत सबको दांव पे लगा हुआ है, इसलिए उनका तो सबसे ज़्यादा शुभकामनाएं उन्हीं के साथ है। तनुवर जी क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो अनिल जी और अंजना मैम को मैं थैंक यू कहना चाहूँगी कि उन्होंने हम लोगों को इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने का मौका दिया, और जो प्रोजेक्ट है वो कॉन्टेंट बेस्ड है और फैमिली एंटरटेनमेंट है, और हम लोगों को ऐसे कंटेंट भी देखना चाहिए क्योंकि आज के टाइम में बॉलीवुड में कंटेंट की रिक्वायरमेंट है और लोग एक्चुअली अपने कल्चर को भूल गए हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि ऐसे कंटेंट भी बनाए जाए। और आई थिंक वो अनिल जी जैसे लोगों ने हिम्मत की है ये कंटेंट को बनाने की, संजय अस्थाना जी है, डायरेक्शन और प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा है, तो हम चाहेंगे इसको अच्छे से अच्छे OTT पे ये रिलीज्ड हो और थिएटर में रिलीज़ हो ताकि लोग देखें समझे और अच्छे लेवल पर वर्कआउट हो चीज़ें। थैंक यू। ये फिल्म देखी कैसी लगी आपको, क्या कहना चाहेंगे? तो मैं सबको नमस्कार करना चाहूँगा क्योंकि जब तक ये है तभी हम चमकते हैं, जितने भी हम मीडिया वाले हैं सबका धन्यवाद है। और दूसरी बात, जब मैं यहाँ पे आया था तो मैंने एक पोस्टर देखा, मैं कहा अच्छी मूवी है, पर जब ट्रेलर देखा तो लगा और भी अच्छी मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है। पिक्चर देखेंगे सुपर हिट जाएगी फिर वो। क्या सर आपका भी किसी नाम से दिल धड़कता है? मेरा तो मैम के नाम से धड़कता है क्योंकि यही हमारी करता धरता है हमारी। असल में क्या है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपनी भी मलाई मारने के लिए आया था कि मेरा भी एक प्रमोशन था छोटा मोटा, अगर मैम परमिशन तो मैं कर सकता हूँ प्रमोशन अपना छोटा सा। आप क्या बताइए? असल में मैं एक्टर के रूप में यहाँ पे आया था पर गलती से मैं साइलेंट प्रोड्यूसर बन गया, तो मेरी एक मूवी है मोहम्मद स्प्रिट जो मल्टीप्लेक्स पे जा चुकी है सिर्फ मेरी फैमिली के लिए, अब वो OTT पे आएगी, वो मैम की बदौलत आएगी वो भी मूवी, तो उसी के प्रमोशन के लिए मैं यहाँ पे आया था। 5 साल से वो मूवी बना रहा हूँ, अब जाके वो रिलीज़ हुई है क्योंकि मुझे पता कितने घुटने घिसने पड़ते हैं। इसीलिए तो प्रोड्यूसर बहुत इंपॉर्टेंट है, अनिल श्रीवास्तव जी जैसे प्रोड्यूसर, अस्थाना जी जैसे डायरेक्टर होना चाहिए क्योंकि आज की तारीख में लोग मूवी पूरी करते ही नहीं है और उसको थिएटर तक रिलीज़ ही नहीं करते हैं, तो मतलब इन लोगों की हिम्मत है कि ये लोग थिएटर तक रिलीज़ कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं तो कॉन्टेंट आगे पहुँचेगा कैसे लोगों तक? जो अच्छे कंटेंट है वो पीछे रह जाते हैं और OTT पे ऐसे ऐसे कंटेंट आते हैं जो मोस्टली फैमिली नहीं देखती है। आप सब आजकल साउथ के पीछे भाग रहे हैं लोग, तो हिंदी में भी बहुत ज़रूरी है ऐसे कंटेंट आना ताकि लोगों को दिलचस्पी पैदा हो, और इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि आप लोग ऐसे प्रोजेक्ट बनाइए और अच्छे लेवल पर बनाइए ताकि लोगों को बॉलीवुड इंडस्ट्री से कंटेंट मिले। मैम आप क्या कहना चाहेंगे? हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रतिमा बरई है। मैं इस मूवी का ट्रेलर देखी, मुझे बहुत अच्छा लगा, फैमिली मूवी है, इसे हम सब एक साथ बैठ के देख सकते हैं, और मेरा इच्छा यही है कि और भी अच्छा हम कर सकते हैं इसे। आप भी एक एक्टर हो, क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रोजेक्ट आ रहा है, क्या कहना? मेरा अभी फ़िलहाल तो जो प्रोजेक्ट था वो हो चुका है, मैं ऑलरेडी 2-3 साल पहले काम कर चुकी हूँ और भी अभी वेब सीरीज़ में काम कर रही हूँ, अभी जब नया करूँगी तो मैं आप लोग के सामने लेके आऊँगी। कौन सी वेब सीरीज आई है, आपके कुछ नाम वगैरह? एक टिकली एंड लक्ष्मी बॉम्ब आई थी जो मैं सुचित्रा पिल्ले जी के साथ काम कर चुकी हूँ वैसे, और एक कृष्णा सीरियल में काम कर चुकी एक दासी के रोल में ऐसे। लास्टली क्या फैंस को कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में? मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि जो भी लोग इस फिल्म को देखेंगे सम्मानित करेंगे, और यही मेरा दिल का इच्छा है कि मतलब फैमिली के साथ देखें और इसे और भी आगे फैलाएं। थैंक यू। कोई नए कंटेंट्स को लेकर आप लोग कैसे वर्कआउट करेंगे तो उस चीज़ के बारे में भी हम जानना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि प्रोड्यूसर्स रहे इंडस्ट्री में, क्योंकि बहुत कम प्रोड्यूसर्स ऐसे होते हैं जो पूरा प्रोजेक्ट बना के वर्किंग करते हैं, तो सर इसके बारे में और संजय मार्केटिंग के हिसाब से पूछ रहे हैं। हम लोग मार्केटिंग के हिसाब से हाँ, तो बात चल रही है, हम लोग कोशिश करते हैं कि 30-35 थिएटर में तो रिलीज़ हो और OTT चैनल पर भी, अमेजोन प्राइम से बात चल रही है,
भगवान चाहेगा तो हो जाएगा उसमें। और सर हम लोग ये पूछना चाह रहे हैं कि इसके आगे भी और प्रोजेक्ट्स के लिए आप इसके आगे हम इसके आगे दो प्रोजेक्ट और कर रहे हैं। अच्छा, थोड़े अच्छे लेवल के हैं, अच्छे लेवल अभी स्क्रिप्ट राइटिंग चल रही है उसकी, स्क्रिप्ट चल रहा है, काम जनवरी से हम लोग शुरू कर देंगे, जनवरी से करेंगे। इस फिल्म की बात करें तो आपने नए स्टार कास्ट को लिया, नए लोगों को लिया, तो कैसा रहा उन लोगों के साथ एक्सपीरियंस और कैसे? लेकिन नए तो शाहरुख सलमान भी एक समय नए थे, लोग रिस्क लिए, अब शाहरुख सलमान हो गए तो मैंने भी सोचा कि नए लोग को लेके बनाओ। शाहरुख सलमान पास तो मैं जा नहीं सकता पहली बार तो यही सोच के संतुष्ट होता है नए लोगों को नहीं, लेकिन जितने से सब काम किए हुए थे थिएटर के लोग ज़्यादा लिया मैंने, एकदम नए लोग नहीं लिया, जिन्होंने कैमरा फेस किया था, जिनको एक्टिंग का सेंस था उन्हीं को लिया, ऑडिशन लिया था मैंने। ऐसे नहीं कि एकदम से आ गए रहे बस हीरो बनना है, ख्वाब देखा चले आए मैंने दे दिया, ऐसा नहीं था, तो काम करके अच्छा लगा, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस है ऐसे लोगों को लिया। हाँ, और लेकिन हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई सेट पे किसी आर्टिस्ट। ओके सर, अनिल सर क्या कहना चाहेंगे, ये जो एक्टर्स हैं मेन वो आए नहीं है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो एक अच्छा एक्टर है लेकिन कुछ व्यस्तता और उसको डेंगू हो गया था इसलिए वो आज नहीं आ पाए, तो हम चाहेंगे जल्द स्वस्थ हों। तो क्या कहना चाहेंगे इस माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, तो घर बैठे तो मीडिया के माध्यम से देखेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं चाहूँगा कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हों और आगे भी अच्छा काम करें, और अच्छा काम किया है, अच्छा लगता है, नया है, टैलेंटेड है। मैम क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, क्या आप जानना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैंने आप सब लोगों को नमस्कार नहीं किया, आप सब लोग आए हैं हम लोगों के लिए, तो धन्यवाद आप सबको। और आप क्या जानना चाहते हैं इस फिल्म के बारे में जानना चाहते हैं आप? एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत, सबसे पहली बात तो फैमिली फिल्म है और एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा, और आगे भी मैंने जैसा पहले कहा कि हम चाहेंगे कि आगे हम साथ में सर के काम करें और कुछ अच्छा और डिफरेंट लेकर के आए, डिफरेंट करेक्टर में मैं आऊँ, जैसा कि जो मैंने अभी करेक्टर प्ले किया है वो एक सिंपल लेडी का करेक्टर है और बहुत मासूम सी लड़की है, इनोसेंट है, तो मैं चाहती हूँ अब कुछ हार्ड कोर करेक्टर में करना चाहती हूँ, तो कुछ डिफरेंट होना चाहिए, बिकॉज हर आर्टिस्ट की एक डिज़ायर होती है कि वो वर्सेटाइल करेक्टर प्ले करे, तो मेरी भी इच्छा है कि मैं अलग अलग करेक्टर करूँ जो मतलब कुछ मज़ा आना चाहिए। और ये फिल्म वाकई में बहुत अच्छी है, मैं आप सबको ये कहूँगी कि आप सब लोग देखिए, और मुझे लगता है आप सब लोग अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे इस फिल्म से। और जैसा कि अभी बहुत थोड़ी देर पहले सर ने कहा था कि जो हीरो है उसका जो करेक्टर है फिल्म में कुछ ऐसा है कि दूसरी लड़की से चक्कर है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के लाइफ में जो मैं खुद देख रही हूँ ऐसा जनरली मिलता है देखने में, तो मुझे लगता है कि जो भी ऐसा कर रहा होगा वो कनेक्ट जरूर करेगा, उसको आगे का रिजल्ट भी मिल जाएगा, तो जैसा कर रहा होगा इसको देखने के बाद नहीं करेगा। कुछ लोग ऐसे वीर देखे जाते हैं जो घर में भी एक औरत रखते हैं और बाहर भी एक औरत रखते हैं, ऐसे लोगों को आप क्या बद्दुआ या सलाह देना चाहेंगे? देखिए बद्दुआ तो मेरे ख्याल से जो भी उनकी वाइफ होगी नो डाउट अगर उसे पता होगा तो अंदर से कर्ज तो निकलता होगा, पर मुझे अच्छा ऐसा लगता है कि जो भी देने वाला है ना वो ईश्वर है, अगर आप किसी के साथ गलत करते हो तो यू नो आप एक ना एक दिन आपके साथ में भी गलत होना है, आप चाहे कितना भी मतलब उड़ लो तो वो तो होना ही होना है, जैसा कि इस फिल्म में दिखाया गया है, तो हम बच नहीं सकते, अगर हम गलत काम करते हैं तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों रिजल्ट मिलना है। लास्टली एक सवाल है, आप तीनों से कितनी उम्मीदें हैं इस फिल्म से और क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? कोशिश 100% की, उम्मीद भी 100% है, बाकी ऊपर वाले के हाथ में है। अनिल सर आप भाई, हमारी भी पूरी उम्मीद है कि ये एक अच्छा कंटेंट की पिक्चर है, सब लोग देखेंगे और मुझे उम्मीद है कि अच्छा रिस्पांस आएगा। थैंक यू।